आज का आइटम उन दोस्तों के लिए है जो अपने मोटरसाइकिल को ना सिर्फ ये कि दौड़ाना पसंद करते हैं बल्कि उसकी साउंड भी पसंद करते हैं। तो साउंड के लिए एक ही चीज़ लगाई जाती है, वो होती है एग्जॉस्ट। तो बड़ा स्पेशल किस्म का एग्जॉस्ट आया है, एक्रोपावे का एग्जॉस्ट है। स्टिकर इसमें अलग से दिया जाता है ताकि दौरान सफ़र कहीं पर डैमेज ना हो जाए। कुछ इसके साथ आपको माउंट्स वगैरह मिल जाते हैं जिनकी मदद से ये अटैच होता है। तो डब्बे को हम लोग रखते हैं साइड पर और इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। पैकिंग तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी की हुई है, डबल ट्रिपल पैकिंग की हुई है। और इसको हम लोग ओपन करते हैं जी, तो ये आ जाता है कार्बन फाइबर में बहुत ही खूबसूरत किस्म का एग्जॉस्ट। और इसके ऊपर जिस वक्त हम लोग इसको लगाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे स्टिकर लग जाएगा, तो ये एक्रोपावेक एग्जॉस्ट इस तरह से देखने में लगेगा। फिनिशिंग की अगर बात की जाए तो कार्बन फाइबर फिनिश में आता है और बहुत टॉप नॉच क्वालिटी में आता है। आपको इसमें कहीं ज़रा बराबर फिनिशिंग का फ़र्क नहीं मिलेगा और फिनिशिंग से ही इसकी क्वालिटी का आइडिया होता है। इसके बैक साइड पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी स्लिप ऑन। अगर आपके पास स्लिप ऑन पाइप लगा हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट वहाँ पे लगा सकते हैं स्लिप ऑन के साथ। और अगर आपके पास पाइप नहीं लगा हुआ, आप इसको वेल्ड करवाना चाहते हैं तो आप वेल्ड तो करवा ही सकते हैं। और इसके आपको यहाँ से भी दिखा दूँ तो ये ज़रा सा इसकी डिफरेंट किस्म की शेप है। सेंटर में ये राउंड में नहीं आता, ज़रा सा ओवल टाइप आता है और सेंटर में आपको डीबी कलर भी देखने को मिल जाएगा। डीबी कलर की एडजस्टमेंट होती है यहाँ से। अब जिन दोस्तों को नहीं पता डीबी कलर का, तो ये साउंड एडजस्ट करने के लिए होता है। और यहाँ से स्क्रू, इसको यहाँ से ढीला करके यहाँ से जो इसके ये अंदर वाली चीज़ है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी साउंड जो है वो एडजस्ट होगी। इसको आप बिल्कुल बाहर भी निकाल सकते हैं, साउंड इसकी और ओपन हो जाएगी। अगर अंदर आपको कैमरा दिखा पा रहा हो तो अंदर आप इसकी जाली की क्वालिटी देख सकते हैं, अगर कि कैमरे में नज़र आ रहा हुआ, जो कि मेरे ख्याल में नहीं नज़र आ रहा। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी जाली की क्वालिटी है और बेहतरीन किस्म की इसकी साउंड है। अब लगता किस बाइक के साथ है, आप 70 से लेके 150, 200 इवन 250 सीसी बाइक तक लगा ले, तमाम बाइक के साथ ये प्रॉपर वर्क करेगा और बेहतरीन किस्म की साउंड देगा। अलबत्ता ये है कि जितना हैवी बाइक होता जाएगा उतनी बेहतर साउंड देता जाएगा। ये 70 और 150 के साथ एक बराबर की साउंड नहीं देगा, 150 के साथ ऑब्वियसली बेहतर साउंड देगा। प्राइस की अगर बात की जाए तो ये एग्जॉस्ट इस वक्त आपको अवेलेबल होगा 8000 रुपये में। डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आज का नेक्स्ट आइटम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो स्पेशल उन दोस्तों के लिए है जो या तो बाइक पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर व्लॉगिंग करते हैं। तो ये बेसिकली एक मोबाइल होल्डर है जो कि मेटल में बना हुआ है और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है व्लॉगर्स के लिए। कैसे वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, पहले इसकी फिनिशिंग के बारे में बताऊँ। टॉप नॉच किस्म की इसकी फिनिशिंग है और ये लगता है जी जो आपके बाइक की शीशे वाली जगह होती है बैक व्यू मिरर वाली, वहाँ पे लग जाता है और इसके ऊपर शीशा टाइट हो जाता है, तो इस तरीके से ये खड़ा हो जाता है। और इसमें आपको चार्जर की ऑप्शन भी मिल जाती है, मतलब आप ना सिर्फ ये कि मोबाइल इसमें लगा के आप देख सकते हैं बल्कि साथ साथ चार्ज भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप GPS यूज़ कर रहे हैं, नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बैटरी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, तो उसमें साथ साथ चार्जिंग भी होती रहेगी तो आपका मोबाइल जो है बैटरी से आउट नहीं होगा। चार्जर जो है इसका वाटरप्रूफ होता है, ये ऊपर वाटरप्रूफ कवर दिया गया है। जिस वक्त चार्जिंग ना कर रहे हो आप यहाँ पे ऐसे इसको बंद कर दें। और ये 2 एम्पेयर का चार्जर होता है, आप बड़ा मोबाइल भी चार्ज करना चाहें तो बड़े आराम से ये चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ख़ास बात क्या है, एक तो ये कि ये मेटल में बना होता है। अब अगर व्लॉगिंग आप कर रहे हैं प्लास्टिक के मोबाइल होल्डर पे तो प्लास्टिक में लचक बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे बाइक चलता है तो मोबाइल में शेक बहुत ज़्यादा आ जाता है वीडियो में, तो ये उससे काफ़ी हद तक बचत देता है क्योंकि ये मेटल में है तो इसमें इतनी लचक नहीं होती जितनी मेटल सॉरी प्लास्टिक में होती है। दूसरी बात ये कि व्लॉगिंग जो है वो वर्टिकल में अच्छी लगती है, तो ये
आप इसको 90 डिग्री 180 इवन 360 डिग्री पे भी मूव कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे 90 डिग्री पे मूव कर लें तो यहाँ पे कैमरा जो है वो हॉरिजेंटल करके लगा लें, मोबाइल हॉरिजेंटल करके लगा लें तो आपकी व्लॉगिंग जो है वो लैंडस्केप में होगी। इस तरह से करके लगा लें और कैमरे बाहर होंगे और आपकी लैंडस्केप में व्लॉगिंग होगी। और इसके अलावा अगर आप इसको सीधा करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है वो इसको हिलने नहीं देता। तो बड़े काम की चीज़ है। प्राइस की अगर बात की जाए तो 1850 रुपये में ये आपको अवेलेबल होगा। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है।